8 अगस्त 2016 को रात के 9:05 पर सलेम रेलवे स्टेशन से इग्मोर एक्सप्रेस चेन्नई के लिए रवाना होती है, जिसके दो बोगियों में आरबीआई के 342 करोड़ रुपए रखे गए थे और उसकी सुरक्षा के लिए 18 पुलिस वालों को तैनात किया गया। लेकिन जब तक ट्रेन सलेम रेलवे स्टेशन से वृद्धाचलम तक 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तब तक उस ट्रेन से करोड़ों रुपए की चोरी हो गई। लुटेरे ट्रेन के बोगी के ऊपर 2 फीट का छेद करके 5,78,00,000 रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। ये चोरी ऐसे फिल्मी अंदाज में किया गया था कि वहाँ के सीआरपीएफ और लोकल पुलिस वालों को हवा तक नहीं लगा था। मैं कोई ये फिल्म की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये मध्य प्रदेश की बिल्कुल सच्ची घटना है जो आज से 8 साल पहले हुई थी। तो चलिए इस वीडियो में पूरी कहानी को समझते हैं कि इतना सारा पैसा किस ट्रेन से कहां और किस लिए ले जाया जा रहा था, और वो कौन लोग थे जिन्होंने चलती हुई ट्रेन से 5,78,00,000 रुपए गायब कर दिए। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक खेजरा गांव है, जहां पर मोहर सिंह पादरी नाम का एक क्रिमिनल रहता था। वह एक गैंग भी चलाता था जिसका वह खुद लीडर था। उसके गैंग में 7 से 8 लोग रहते थे जो मोहर सिंह के गांव मोहल्ले और उसके रिश्तेदार के लोग थे। कालिया, रूसी और बिल्टिया मोहर सिंह के गैंग के मेन आदमी थे। मोहर सिंह अपने साथियों को अलग अलग स्टेट में लेकर जाता था, वहाँ पर लोगों की सुपारी लेता था, उनको डराता धमकाता और उनका मर्डर भी करता था। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सब स्टेट्स में ये लोग क्राइम करते थे। एक बार मोहर सिंह 2006 में अपने साथियों के साथ जम्मू कश्मीर गया था, जहां पर इन्होंने एक ही फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया था। इस केस में इनके कुछ साथियों को सजा सुनाई गई और कुछ इसके साथी बाइज्जत बरी कर दिए गए। फिर ये वापस मध्य प्रदेश चले आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये लोग अलग अलग मर्डर केस में इन्वॉल्व हो चुके। इसके बाद अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि 2016 में पुलिस इनका तहकीकात शुरू कर चुकी थी और जब इस बात का पता मोहर सिंह को चलता है, तब वो अपने साथियों को लेकर तमिलनाडु पहुंच जाता है। तमिलनाडु में एक चिन्ना सलेम स्टेशन है, जिसके बगल में ये लोग अपना कबीला बनाकर वहीं पे रहने लगते हैं। इसी बीच एक दिन मोहर सिंह के किसी गैंग मेंबर से ये पता चलता है कि इग्मोर एक्सप्रेस आरबीआई के 342 करोड़ रुपए लेकर जाने वाली है, और वो ट्रेन उसी स्टेशन से जाएगी जिस स्टेशन के बगल में मोहर सिंह अपने आदमियों के साथ रहता था। मोहर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ 1 हफ्ते तक लगातार चिन्ना सलेम से वृद्धाचलम तक इग्मोर एक्सप्रेस से ट्रेवल करता रहता है, ताकि उसको ये पता चल सके कि ये ट्रेन कब, कहां और कितनी देर रुकती है। इससे उनको रॉबरी करने में आसानी होगी। उनको ये भी पता चल जाता है कि इग्मोर एक्सप्रेस को चिन्ना सलेम से वृद्धाचलम तक जाने में अंधेरा हो जाता है, और साथ ही साथ वो ये भी जान जाते हैं कि इग्मोर एक्सप्रेस को चिन्ना सलेम से वृद्धाचलम तक जाने में डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद कहीं जाके तब उसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाता है। इसके बाद मोहर सिंह को एक फाइनल डेट पता चल जाती है कि 8 अगस्त 2016 को इग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन इंडियन ओवरसीज बैंक और अदर 2 ब्रांचेस के 342 करोड़ रुपए लेकर आरबीआई के पास जाने वाली है। इसके बाद अगले दिन 8 अगस्त 2016 को रात के करीब 9:05 पर इग्मोर एक्सप्रेस सलेम जंक्शन से 342 करोड़ रुपए लेकर रवाना होती। वह सभी करेंसी इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के सॉलिड करेंसी नोट थे। मतलब कि जो ट्रेन 342 करोड़ रुपए लेकर जा रही थी, उसमें सभी 500 और 1000 रुपए के फटे पुराने और खराब हो चुके नोट थे, जिनको एक्सचेंज करने के लिए आरबीआई के पास भेजा जा रहा था। उस ट्रेन का नंबर था 11064, जो एक पैसेंजर ट्रेन थी। इसमें कुल 19 कोच थे। उस ट्रेन में एक पार्सल वैन को भी अटैच किया गया था। पार्सल वैन का नंबर था VPH08831, जिसमें 226 लकड़ी के बॉक्स में सारा पैसा रखा गया था। उन पैसों की सुरक्षा के लिए 18 गार्ड्स भी लगाए गए थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने एक गलती कर दी थी, क्योंकि उन्होंने नोटों का सीरियल नंबर नोट नहीं किए थे, जिसकी वजह से पुलिस को ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि ये नोट कहाँ यूज किए जा रहे हैं। मोहर सिंह और उसके 4 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए चिन्ना सलेम स्टेशन से पार्सल वैन के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो लोग अपने साथ कुछ बैटरी ऑपरेटेड कटर और मैनुअल कटर भी लिए थे,
इससे उन्होंने पार्सल वैन के ऊपर 2 फीट चौड़ा छेद करके उस बोगी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद उनके सामने नोटों से भरे कई सारे लकड़ी के बॉक्स दिखाई देते हैं जिसमें वो करोड़ों रुपए रखे गए थे। उन्होंने 4 बॉक्स को तोड़ा था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 2 बॉक्स से ही पैसा गायब हुआ था और ये बॉक्स इंडियन ओवरसीज बैंक के ही थे। एक बॉक्स का नंबर था 20 और दूसरे बॉक्स का नंबर था 16। जो 20 नंबर वाला बॉक्स था उसमें से 500 के 80,000 नोट गायब थे। इसका टोटल फेस वैल्यू होगा 4 करोड़ रुपए। और जो 16 नंबर वाला बॉक्स था उसमें से 500 के 35,000 नोट गायब थे। इसका टोटल फेस वैल्यू होगा 1,75,00,000 रुपए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन सभी ने मिलकर टोटल 5,78,00,000 रुपए की चोरी किए थे। उन्होंने सारे पैसों को लुंगी में रख कर 6 पोटलियां बना लेते हैं और भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। वृद्धाचलम से पहले एक वायलूर ओवर ब्रिज पड़ता है। जैसे ही ट्रेन ब्रिज के पास जाती है तो ये ट्रेन की बोगी से निकलकर नोटों की पोटलियों को जो ब्रिज पर इनके आदमी खड़े थे उनको दे देते हैं। उसके बाद इनके कुछ आदमी ब्रिज के नीचे वैन लेकर इनका वेट कर रहे थे। ये नोटों की पोटलियां उनको फेंक देते हैं और वो नोटों की पोटलियों को गाड़ी में भरकर ये सभी लोग वहां से फरार हो जाते हैं। न ही 18 पुलिस गार्ड्स को पता चलता है और न ही उन हजारों पैसेंजर्स को पता चलता है कि इस ट्रेन से 5,78,00,000 रुपए की चोरी हो गई है। 2:55 यानी कि 3 बजे जब ट्रेन वृद्धाचलम स्टेशन पर पहुंचती है तब उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाता है। तभी भी किसी को ये नहीं पता चलता है कि इस ट्रेन में बहुत बड़ी रोबरी हो चुकी है। अगले दिन ट्रेन चेन्नई पहुंचती है तब उसको यार्ड में खड़ा कर दिया जाता है। जब दिन में 11 बजे RBI के अधिकारी पार्सल वैन को खोलते हैं तो वैन के फ्लोर पर कुछ नोट बिखरे हुए दिखाई देते हैं। वैन के छत पर 2 फीट लंबा होल बना रहता है और उसमें से 4 लकड़ी के बॉक्स को तोड़ा गया था। इसमें से 2 बॉक्स का पैसा पूरा गायब था। उसके बाद रेलवे पुलिस एक FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। कई महीने निकल जाते हैं लेकिन इस रोबरी के बारे में पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चलता है। बाद इस केस को क्राइम ब्रांच CID को हैंडओवर कर दिया जाता है। लेकिन CID भी कई महीनों तक इस केस पर मेहनत करती है लेकिन उनको भी कुछ हाथ नहीं लगता है। फिर इसके बाद जब फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाया गया तब उन लोगों को ट्रेन के छत पे 4 अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल्स मिले थे। 8 अगस्त 2016 को इन्होंने ट्रेन में रोबरी किए थे लेकिन इसके ठीक 3 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को PM मोदी पूरे भारत में नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। इसकी वजह से भारत में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट कानूनन अमान्य होगी। मोहर सिंह और उसके साथी ये सभी मिलकर जितने भी पैसे चुराए थे उसमें पूरा का पूरा 500 और 1000 रुपए का पुराना ही नोट था। पंडित हो चुकी थी और उसके बाद ये पैसा किसी काम लायक नहीं था उनके। क्राइम ब्रांच CID भी इस केस से बैक स्टेप कर लेती है क्योंकि पूरे 2 साल लग गए थे लेकिन इन चोरों का कुछ भी पता नहीं चला था। CID वालों ने होम मिनिस्ट्री से संपर्क किया और कहा कि हम लोगों को सलेम स्टेशन से वृद्धाचलम तक के सभी एरिया का सैटेलाइट इमेजेस चाहिए तभी इस केस के बारे में कुछ पता लगाया जा सकता है। अमेरिका के NASA एजेंसी से जब उस एरिया का सैटेलाइट इमेज आया तब ये पता चला वृद्धाचलम स्टेशन से पहले एक वायलूर ओवर ब्रिज पड़ता है और उसी जगह पर चोर ट्रेन से पैसा लेकर फरार हुए हैं। उस एरिया के हजारों कॉल डिटेल्स खंगाले गए जिसमें उनको 11 सस्पेक्टेड कॉल्स मिले जिनकी प्राइम लोकेशन मध्य प्रदेश से ही आ रही थी। 2 साल बाद CBCID वालों को एक सफलता मिलती है क्योंकि 12 अक्टूबर 2018 को दिनेश पादरी जिसकी उम्र 38 साल थी और रोहन पादरी जिसकी उम्र 29 साल थी इन दोनों को रतलाम जंक्शन से अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे तो ये लोग कुछ बता नहीं रहे थे लेकिन जब इनको टॉर्चर किया गया तब ये पूरी कहानी बताने लगते हैं। ये बताते हैं कि इनका 7 से 8 लोगों का ग्रुप है। इनका लीडर मोहर सिंह पादरी है और इन्होंने उस ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया है। वो दोनों ये बताते हैं कि हम लोग अलग अलग स्टेट में जाकर क्राइम करते हैं। उन सब ने ये भी बताया कि जब हम लोग ट्रेन से 5,78,00,000 रुपए की चोरी किए थे उसके 3 महीने ही बाद मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था जिसकी वजह से कुछ पैसों को हम लोग जला दिए और कुछ पैसों को पानी में फेंक दिए। और नोटबंदी के समय ऐसी कई खबरें भी आ रही थी कि नोट पानी में तैर रहे हैं। सड़क पर नोटों को लूटते हुए लोगों को तो आपने कई बार देखा होगा मगर बिहार में नहर के अंदर ही नोटों की लूट मच गई।
हो सकता है कि ये सारे नोट उसी ट्रेन रोबरी के हो। इसके अगले महीने अक्टूबर में पादरी गैंग के और 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें मोहर सिंह भी शामिल था, और इसके बाद इन सभी को तमिलनाडु के सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने में मुझे 10 से 15 दिन का समय लगा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।